अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है? ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक होंगे। मैं भी आपकी दुआओं के साथ बिल्कुल ठीक हूँ। तो गाइस, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि व्हाट्सएप आप पाकिस्तान में कौन सा यूज़ कर सकते हैं। अक्सर लोग देखो कि 90% से जो 20% लोग हैं वो कर रहे हैं बिजनेस व्हाट्सएप इस्तेमाल, और सारे जो लोग हैं ना वो कर रहे हैं, मतलब ये हो गया GP व्हाट्सएप हो गया, और दूसरा ये जो न्यू निकला हुआ है NA3 व्हाट्सएप। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि हम पाकिस्तान में जो है ना वो कौन सा व्हाट्सएप यूज़ कर सकते हैं, और हमारे लिए कौन सा व्हाट्सएप फ़ायदेमंद है इन तीनों में से। तो हमारे पाकिस्तानों की एक ये खसूसी बात है कि जो चीज़ हमें नुकसान देगी ना हम उसी चीज़ के पीछे भागेंगे, जो हमें फ़ायदा देगी ना हम उसके पीछे रहने देंगे। यार ये हमें फ़ायदा दे रही है, सही नहीं है, ये वो ये वो। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप लोग कौन सी व्हाट्सएप इस्तेमाल करो और आपके लिए कौन सी व्हाट्सएप बेहतर होगी। तो ये जो है ना बिजनेस व्हाट्सएप, ये बिल्कुल लोकल व्हाट्सएप है, इसलिए लोग ना तो इसको इस्तेमाल नहीं कर रहे, लेकिन ये लोकल हमारे लिए बहुत अच्छी है और हमारे लिए फ़ायदेमंद है। तो ये इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, ये भाग रहे हैं GP व्हाट्सएप के पीछे, और जो NA3 व्हाट्सएप है उसके पीछे क्यों भाग रहे हैं, ये भी मैं आपको बात बताता हूँ कि इसके जो ये जो व्हाट्सअप है ना, इसकी मतलब खूबसूरती है, इसका कलर बहुत प्यारा है, इसके अंदर मतलब ऐसे ऐसे फंक्शन हैं जो मतलब हमारे पाकिस्तानियों को बहुत पसंद हैं, तो इसलिए वो मतलब यही व्हाट्सअप यूज़ कर रहे हैं। NA3 व्हाट्सअप हो गया या GP व्हाट्सअप हो गया। तो इन तीनों में से आप व्हाट्सअप जो बिजनेस है वो इस्तेमाल करो, वो आपके लिए फ़ायदेमंद क्यों है ये मैं आपको बताता हूँ। कि इसमें से ना कोई डेटा चोरी नहीं होता, जैसे मतलब हमारी कोई पर्सनल पिकें होती हैं या वीडियो होती हैं, या कुछ ऐसे हमने वीडियो रखी होती हैं, या कुछ मतलब ऐसी वैसे होती हैं, तो ऐसी वीडियो, तो ये जो है ना बिजनेस व्हाट्सएप से नहीं होती चोरी, मतलब लीक नहीं होती। तो ये जो GP व्हाट्सएप है और हो गया मतलब NA3 व्हाट्सएप, इससे मतलब लीक होती है वीडियो, मतलब डेटा इससे ना चोरी होता है, तो जिसके मतलब हाथ चढ़ गए वो मतलब इससे आसान से चोरी कर लेता है, क्योंकि ये बाहर मुल्क का है, ये हमारा इधर पाकिस्तान का है ही नहीं। ये दोनों व्हाट्सअप GP व्हाट्सअप हो गया और NA3 व्हाट्सअप, ये दोनों बाहर मुल्क के हैं, हमारे पाकिस्तान के हैं ही नहीं, तो इसलिए इनमें से डेटा चोरी होता है। तो बाज़ औक़ात कुछ लोग हैं मतलब जिनकी वीडियो लीक हो जाती है, वो फिर बोलते हैं कि मतलब हमारी वीडियो लीक हो गई है, हमारी तस्वीरें लीक हो गई है, ये हो गया वो हो गया। क्यों हो गया है? क्योंकि हम वही व्हाट्सएप इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर इनको पता ही नहीं होता मतलब कहाँ से हुई है, ये तो सोच रहे हैं कि मतलब इनमें से डेटा चोरी नहीं होता। GP व्हाट्सएप से भी डेटा लीक होता है और बिजनेस व्हाट्सएप पे भी डेटा लीक होता है, जो हमारा जो सॉरी जो NA3 व्हाट्सएप है उससे भी चोरी होता है, और GP से भी बिजनेस व्हाट्सएप से चोरी नहीं होता। तो अक्सर लोग हैं ना वो उनको देख लोगे, उन्होंने मतलब खूबसूरती रखी हुई है अपने व्हाट्सएप के अंदर, वही GP डाउनलोड किया हुआ है या NA3 बिजनेस व्हाट्सएप को पीछे रखा हुआ है, अगर रखा हुआ भी है तो उसमें से ऐसे ग्रुप रखे हुए हैं, तो कोई पर्सनल जो चीज़ें हैं ना वो उधर ही रखी हुई है जहाँ से लीक होती हैं। तो जब लीक हो जाती हैं तो फिर बोलते हैं हाय ये ऐसे लीक हो गई है, पता नहीं कैसे हो गई है, फिर उनको पता ही नहीं चलता। तो इसलिए मेहरबानी करें तो आप लोग ना GP व्हाट्सएप और NA3 व्हाट्सएप को छोड़कर बिजनेस व्हाट्सएप के ऊपर आ जाएं। ये सादा है, सिंपल है, इसको चलाने में मज़ा आता है, इससे मतलब जो आपका सेल है उसकी चाहे छोटी भी रैम है ना तो उसमें से आसानी से ये यूज़ हो सकता है। वो जो है वो एक तो मतलब मेमोरी भी ज़्यादा लेते हैं, और उनका जो सॉफ्टवेयर है ना वो भी मतलब ये आपकी जो आपका जितना भी सेल मतलब 8 GB रैम है तो उसको भी वो हैंग कर सकता है, मतलब इसका मतलब इतना मतलब उसका जो है ना प्रॉफिट है। तो इसलिए आप मेहरबानी मेहरबानी करके ना ये GP बिजनेस व्हाट्सएप इस्तेमाल करें, तो ये बिल्कुल सादा है, सिंपल है।